मेरे साई राम एक बहुत ही धार्मिक फिल्म है और बहुत अच्छे स्केल पे बनाई गई है। साई के बारे में जो भी फिल्में अभी तक बनी हैं फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के अंदर, वो करीब करीब सभी बहुत बड़ी हिट हुई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बाबा की फ़ैन फॉलोइंग है, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि इनको देखने के लिए दर्शक हमेशा चाहते हैं कि इनका हर रूप देखें, हर आकार देखें। और ये फिल्म इसरार भाई की एक बहुत अच्छा प्रयास है उनका फिल्म बनाने के लिए। मुझे तो लगता है सुधीर दलवी जी जो हैं इस रोल को करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो तो जब सेट के ऊपर भी बैठे रहते थे साईं बाबा का गेटअप करके, तो ऐसा लगता था कि बाबा स्वयं आकर वहाँ पर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि सुधीर जी में बाबा की एक शक्ति आ जाती है और वो उस शक्ति की वजह से ही वो रोल को इतनी अच्छी तरह से निभा पाते हैं। मुझे तो लगता है कि बाबा स्वयं उनमें प्रकट हो जाते हैं और जब तक फिल्म की शूटिंग चलती है तब तक बाबा उनकी आत्मा के अंदर समाए हुए रहते हैं, और जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो बाबा उनकी आत्मा में से निकल के बाहर चले जाते हैं और सुधीर दलवी जी एक साधारण इंसान बन जाते हैं। सर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? इन दिनों मेरा लाइफ ओके पे रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, देवों के देव महादेव, महाराणा प्रताप चल रहा है सोनी पर, और अभी अधिकार सीरियल है DD1 के ऊपर डेली 12:30 बजे, और मेरा एक नया शो जो अभी शुरू हुआ है सोनी के ऊपर सूर्यपुत्र कर्ण, जिसमें मैं गुरु परशुराम की भूमिका निभा रहा हूँ। आज से 25 साल पहले मैंने पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी, और अब 25 साल के बाद मुझे कर्ण के गुरु की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। देखें दर्शकों को पसंद आता है या नहीं आता है, वो दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या करें, पैसे लूंगा ना इसका।